मैक्यूट पब्लिक स्कूल कटंगी गोंदिया, जहां पर स्कूल प्रशासन द्वारा आरटी के नाम पर बालकों के साथ जबरदस्त तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है। हमने पीड़ित बालक राधेश्याम गेटपुड़े से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनकी कन्या पहली क्लास से आरटी के अंतर्गत उसी स्कूल में पढ़ाई कर रही है, जहां पर हर साल स्कूल की किताबें, स्कूल ड्रेस और गैदरिंग के लिए फीस ली जाती है और आरटी के बच्चों को क्लास में अलग ग्रुप में बैठाया जाता है क्योंकि उनसे फीस नहीं मिलती, जिससे परेशान होकर उन्होंने कक्षा चौथी में अपनी कन्या को उसी स्कूल से निकालकर गुजरात स्कूल में एडमिशन करने का निर्णय लिया, लेकिन बार बार आवेदन करने के बाद भी उनकी बच्ची की टीसी बाहर नहीं दी जा रही है। उनको लगभग 4 महीने से घुमाया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने शिक्षण अधिकारी को भी की। उन्होंने भी टीसी देने का आदेश दिया, लेकिन स्कूल प्रशासन टीसी नहीं दे रहा है, जिससे यह पालक बहुत परेशान है। मैं बीसीएन न्यूज चैनल से अभिषेक भटनागर, गोंदिया जिला प्रतिनिधि, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ स्कूल के आरटीआई के मामले में एक धांधली। तो इस मामले में हम संजय येरपुड़ी जी से मुलाकात करेंगे। संजय जी, आप ये आरटीआई के मामले से आप किस प्रकार पीड़ित हैं, थोड़ा सा हमें बताइए। सर, मेरी लड़की नव्या संजय येरपुड़े एटवुड पब्लिक स्कूल कटंगी में पढ़ती है। चौथी क्लास, पहली से लेकर तो चौथी क्लास तक के आरटी के अंतर्गत एडमिशन किया था मैंने उसका, लेकिन अभी मुझे वहाँ नहीं पढ़ाना है। मुझे गुजराती स्कूल अच्छा लगा तो वहाँ पे गुजराती स्कूल में मैंने एडमिशन कर दिया हूँ 5वीं क्लास में। संजय जी, गुजराती स्कूल में ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं आप? सर, गुजराती स्कूल मुझे बाकी मामले में अच्छे लगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंटरव्यू वगैरह देके पहले बच्चों की एग्जाम वगैरह देके मतलब वहाँ एडमिशन होता था, और इस बार क्या है कोरोना काल की वजह से क्या है मतलब डायरेक्ट एडमिशन होते थे हुए हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ करना उचित समझा, क्योंकि वहाँ मुझे अच्छा लगा पढ़ाई वगैरह। मेरे बच्चे, एक बड़ा लड़का भी वहीं पे पढ़ता है। आपकी बच्ची को एक्विक पब्लिक स्कूल में कौन सी क्लास से पढ़ी अभी तक वहाँ पे? सर, एक पहली क्लास से लेके तो चौथी क्लास तक के पढ़ाया हूँ मैं एक्विक पब्लिक स्कूल में, तो और आरटी के अंतर्गत एडमिशन हुआ है उसका। तो आरटी के अंतर्गत आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या जा रहा है? सर, प्रॉब्लम उसके तरफ से कुछ नहीं है मेरे को यानी वहाँ पढ़ाना नहीं है मेरे को। गुजराती स्कूल में मैं ऑलरेडी एडमिशन कर दिया हूँ 5वीं क्लास में, तो मुझे वहाँ से यानी टीसी निकालना है। तो आपको टीसी वहाँ से मिल नहीं रही क्या? सर, वहाँ में एक प्रवीण मिश्राम करके है, वो मुख्याध्यापक नहीं है, वो मतलब बोले मैं मुख्याध्यापक के ऊपर का हूँ करके प्रवीण मिश्राम बोलता है। तो वहाँ पे मैं टीसी के लिए गया, पहले सबसे पहले तो अर्जी दिया रिजल्ट आने के बाद में, और उसके बाद में वो एप्लीकेशन पकड़ लिया, उसने कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है, बोले एक आध महीने के बाद में आओ, बोले उसके बाद में एक महीने के बाद में गया तो बोले मैडम वगैरह नहीं है वहाँ पे जो टीसी वगैरह बनाते हैं, तो और 15-20 दिन के बाद में आओ। फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद में गया तो फिर वो क्या बोलता है कि बोले आप एजुकेशन विभाग में जाओ और वहाँ से एक लेटर लिखा के लाओ, वो लेटर आप लिखा के लाओगे कि टीसी मिल जाएगी, टीसी अगर वो दे दो करके बोलते एजुकेशन ऑफिसर तो हम टीसी दे देंगे बोले। उसके बाद में फिर एजुकेशन ऑफिसर के पास में गया, राजकुमार जी हिवरे, उन्होंने बकायदा प्रमाणित कर दिए, एक लेटर लिख के दिए कि बोले इनकी आप टीसी दे दो, ये नव्या संजय येरपुड़ी, क्योंकि इनने एडमिशन कर दिए है और गुजराती स्कूल जो है वो अनुदानित है, वहाँ भी फीस वगैरह नहीं लगती और यहाँ भी आरटी के अंतर्गत था तो फीस नहीं लगती, इसलिए वो उसका तो कोई मैटर है ही नहीं, तो इसीलिए आप उसकी टीसी दे दो, टीसी देने में आप विलंब मत करो। तो इस मामले में आपने प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं की है क्या? सर, प्रिंसिपल तो वहाँ का सामने आता ही नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं था अभी तक के कि वहाँ का प्रिंसिपल कौन है करके। अच्छा। कुछ देर के बाद में 2-4 बार गया तब मालूम हुआ कि एक कोई मनीषा शुक्ला करके है, लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जाता, ये प्रवीण मिश्राम ही डील करता है हर चीज में। प्रवीण मिश्राम जी से आपने फोन पे संपर्क साधा कभी? सर, फोन किया तो मेरा फोन नहीं उठाता वो प्रवीण मिश्राम, फोन यानी फोन उठाता नहीं, और वहां जाओ तो कोई सही जवाब मिलता नहीं। तो प्रवीण मिश्राम जी जो है ये वहां के संचालक ये वहीं पे कार्यरत है कि उसके अलावा भी कहीं और कार्यरत है? सर, ये प्रवीण मिश्रम संचालक नहीं है, वो अपना मुख्याध्यापक के ऊपर का हूँ बोले, संचालक तो संजय भास्कर है वो इस स्कूल का जो कुड़वा में रहते हैं, वो प्रवीण मिश्रम ही मतलब हैंडल करता है ये टीसी वगैरह का मैटर, और जो भी होंगे दुनिया भर के जो भी मैटर वही हैंडल करता हूँ। तो संजय भास्कर जी से आपने संपर्क नहीं किया? संजय भास्कर से मैंने एक बार संपर्क किया तो उन्होंने बोले मेरे को कि बोले ये मेरा काम नहीं, बोले ये एजुकेशन विभाग का काम है बोले,
टीसी नहीं दे रहे तो जो भी कारण होगा बोले तो वहां पे आप यानी जाके बात करो बोले। अब ये मैटर को 3 से 4 महीने हो गए टीसी देने में, ये आनाकानी कर रहे। तो संजय भास्कर को भी बकायदा मैंने एक लेटर लिखा हूँ कि सर आपके जो स्कूल के जो मैनेजमेंट है वो मुझे टीसी देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं और मुझे सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसीलिए आप उसमें हस्तक्षेप करके कृपया आप मेरी टीसी दिलवा दीजिए। 3-4 दिन के अंदर में आप अगर मेरी टीसी नहीं देते हो तो मैं ईओ के पास में जाऊंगा और पत्रकार के पास में जाऊंगा और सीओ के पास में जाऊंगा और वहां पे मैं अपनी अपने लिए मतलब न्याय की मांगनी करूंगा। ईओ के पास आप गए थे? सर ईओ के पास मैं गया था, ईओ के यहाँ से मुझे लेटर भी मिला है एक बकायदा कि आप इसकी टीसी दे दो, आप नहीं रोक सकते करके। लेकिन वो लेटर की भी अवहेलना कर दिया ये एकॉर्ड पब्लिक स्कूल वाले ने, वो लेटर को भी कोई मायने नहीं दिया उसने। और उसको यहाँ तक कि मैं जीआर की काफी भी लगाया, जीआर में साफ लिखा है कि पालक अगर टीसी मांगने के लिए अप्लीकेशन करता है तो उसको आप मना नहीं कर सकते, आपको कोई भी हालत में टीसी देना है और विलंब करने पे भी गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है, ये बकायदा जीआर में लिखा। और ये जीआर भी मैं प्रवीण मिश्रम को दिया तो इसको भी कोई मायने नहीं दिया उसने।